चुनाव हो और माहौल ना बने, ये भला कहां हो सकता है। नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह के बाद बीजेपी की चौथी और अंतिम परिवर्तन संकल्प यात्रा को रवाना करने का अब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का नंबर था। चौथी यात्रा की शुरुआत हनुमानगढ़ में लोक देवता गोगा जी महाराज के समाधि स्थल गोगा मेड़ी से हुई। ये यात्रा 18 दिन में 2110 किलोमीटर का सफर तय करते हुए 50 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेंगे। इस दौरान श्रीगंगानगर, चूरू, झुंझुनू और अलवर के 50 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी माहौल बनाएगी। नितिन गडकरी ने कहा कि यहां किसानों को पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, ये एक बड़ी समस्या है। INGP की वजह से प्रदेश के 8 जिलों को पानी मिल रहा है, वरना तो 1970 से ही पानी की योजना का काम अटका पड़ा है। इस दौरान गडकरी ने हाईवे निर्माण में रिकॉर्ड काम करने पर मोदी सरकार की तारीफ की तो पूर्व CM राजे ने गहलोत सरकार को किसान कर्ज माफी के मामले पर घेरा। मौजूदा सरकार कर्ज माफी की घोषणा करके सत्ता में तो आई, लेकिन कर्ज माफी करना तो दूर, 19,000 किसानों की जमीनें ही कुर्क कर ली गई। पेपर लीक की वजह से अभ्यर्थी ने आत्महत्या कर ली, ऐसे संगीन आरोप भी वसुंधरा राजे ने गहलोत सरकार पर लगाए। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी ने कहा कि धर्म की रक्षा के लिए चौथा रथ रवाना हो गया है। गहलोत सरकार राज्य में तिरंगा यात्रा पर प्रतिबंध लगा रही है, धार्मिक जुलूस रोके जा रहे हैं, जबकि PFI की यात्रा को हरी झंडी दिखाई जा रही है। लेकिन अब परिवर्तन का वक्त है। वैसे ये तो बयानबाजियां रही हैं, लेकिन इन 4 दिनों की यात्रा में कुछ ऐसी तस्वीरें भी दिखाई पड़ी जो कुछ तो कह रही हैं। मसलन शाह के मंच पर राजे को एक चिट मिलती है, उसके 1 मिनट के बाद ही वो भाषण खत्म कर देती है। फिर परिवर्तन यात्रा के दूसरे मंच पर वसुंधरा राजे का ये बोलते हुए वीडियो वायरल हो रहा है कि बोलने के टाइम में मेरे पास आया तो देख लेना। वीडियो में आवाज साफ सुनाई तो नहीं पड़ी, लेकिन कहा कुछ ऐसा ही जा रहा है, और शायद इसलिए क्योंकि राजे को मंच पर बोलने के दौरान उन्हें टोके जाने की वजह से वो गुस्सा हुए। वैसे इसमें कोई शक नहीं कि चारों यात्राओं में यात्रा को रवाना करने वाले केंद्रीय नेताओं ने राजे की तारीफ की है। इससे ये तो लगता है कि राजस्थानियों को फिर से वसुंधरा राज की याद कराई जा रही है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी के अंदर खाने आपसी फूट की खबरें आती हैं, उससे पार्टी की स्ट्रेटेजी पर शंकाओं के बादल फिर मंडराने लगते। खैर, चारों यात्राओं की बागडोर अब स्थानीय नेताओं के हाथों में रहने वाली है। 25 सितंबर को जयपुर में PM मोदी की मौजूदगी में भव्य कार्यक्रम कर गहलोत सरकार के खिलाफ बीजेपी हल्ला बोलेगी। लेकिन बड़े चेहरों के बीच मची रस्सा कशी का असर कैसा दिखेगा, सवाल ये भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान चौक।